हाय गाइस, वेलकम टू स्टॉक ब्रेन्स। माय नेम इज आयुष और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैंडलस्टिक चार्टिंग एसेंशियल्स चैप्टर के बारे में, जो कि एक छोटा सा चैप्टर है सीएमटी लेवल वन की हमारी बुक में। छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं जो इसमें बताई गई हैं, लेकिन इसका नॉलेज होना आप लोगों को ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं कि इस चैप्टर से आप लोग क्या सीखेंगे। इस चैप्टर में दोस्तों आप लोग सीखेंगे कैंडलस्टिक चार्ट्स की स्ट्रेंथ और लिमिटेशन के बारे में। और यहाँ पे मैं आपको थ्योरेटिकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ, मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊँगा कि क्या लिमिटेशन है, क्या स्ट्रेंथ है कैंडलस्टिक की, क्या कैंडलस्टिक कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ये हम बात करेंगे। इसके बाद हम लोग ये बात करेंगे कि ये कैंडलस्टिक्स की जो बॉडी होती है और शेडो होती है, इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए, कैसे समझा जाए। इसके बाद हम लोग बेसिक कैंडलस्टिक्स की स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे कि कैंडलस्टिक को कैसे अप्लाई किया जाए, क्या स्ट्रैटेजी हम लोग अडॉप्ट करें जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और लास्टली हम लोग चेंज ऑफ पोलैरिटी प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। हो सकता है आप लोगों को ये चेंज ऑफ पोलैरिटी प्रिंसिपल के बारे में पता ना हो, सो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा वीडियो को ताकि समझ में आए कि ये चेंज ऑफ पोलैरिटी प्रिंसिपल है क्या। अब दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले कैंडलस्टिक के एक ओवरव्यू की, समझते हैं कि यार ये कैंडलस्टिक बना कहाँ पे था, कहाँ इन्वेंट हुआ था, क्या बेसिक एप्लीकेशन है, इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम बात करें ओरिजिन की कैंडलस्टिक की, तो कैंडलस्टिक बना ही दोस्तों इसलिए है क्योंकि ये हमें हेल्प करता है मार्केट के इमोशंस को रीड करने में। अब जो कैंडलस्टिक के फाउंडर हैं मोनालिसा हुमा, उन्होंने कैंडलस्टिक को इसलिए बनाया था ताकि वो राइस में ट्रेडिंग कर सकें, और उन्होंने जापान में ये 1700s के टाइम पे फाउंड किया था, और वो पेपर में कैंडलस्टिक्स को बनाया करते थे और वहाँ से वो प्रिडिक्ट किया करते थे कि क्या हो सकता है नेक्स्ट राइस मार्केट में। सो इस टाइप से कैंडलस्टिक की शुरुआत हुई। और जब मोनालिसा हुमा ने जब ये कैंडलस्टिक को बनाया, तो उन्हें ये चीज़ समझ में आई कि ये जो कैंडलस्टिक है ना, ये मार्केट में लोगों के इमोशंस को डिपिक्ट कर रहा है, ये लोगों के इमोशंस को बता रहा है, लोगों में कितना फियर है, कितना ग्रीड है, उसको बता पा रहा है कैंडलस्टिक। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि कैंडलस्टिक हमें इमोशंस रीड करने में हेल्प करता है। अब आज के टाइम पे तो सारी चीज़ें कंप्यूटराइज हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा रिलायबल सिग्नल्स ऑफर करता है हमें, और आज भी इनके सिग्नल्स जो है ना, उस पर आप भरोसा करके ट्रेडिंग कर सकते हो मार्केट के अंदर। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कैंडलस्टिक के बेसिक एप्लीकेशन के बारे में। आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा कि कैसे एप्लीकेशन करना है कैंडलस्टिक का, कैसे यूज़ करना है, लेकिन मैं आपको फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो हो सकता है आपके लिए नई हो, जो आपको पता ना हो, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले दोस्तों हमें ये समझना होगा कि ये कैंडलस्टिक से हम लोग रिवर्सल सिग्नल को कैसे पकड़ें, कैसे रिवर्सल सिग्नल्स को पकड़ के हम एंट्री लें, एग्जिट करें, इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा दोस्तों दूसरी चीज़ जो कि मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड। अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या आप एक एनालिस्ट भी हैं और कॉल्स वगैरह बनाते हैं, मेरे ख्याल से आपको ये रिस्क टू रिवॉर्ड बैलेंस करना होगा अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करते समय किसी भी स्टॉक के बारे में, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिवर्सल सिग्नल को समझते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। सो अभी मैं आ गया हूँ ट्रेडिंग व्यू पे। ये जो चार्ट है, ये है हमारा इथेरियम टीदर यूएस का चार्ट। ये इथेरियम जो क्रिप्टो करेंसी है उसका चार्ट है ये, और मैंने इथेरियम का चार्ट इसलिए लिया क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज का जो मार्केट है वो थोड़ा सा नया है, तो कुछ नया हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। आप लोगों को पता होगा कि जो क्रिप्टो करेंसी का मार्केट है वो 24 घंटे खुला रहता है, कभी भी बंद नहीं होता, सातों दिन 24 घंटे इसमें ट्रेडिंग चलती है। अब हम लोग ये सीखते हैं यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे कैंडलस्टिक के जो पैटर्न्स हैं, जो सिग्नल्स हैं, उनको कैसे पहचाने। अब जब मैंने कैंडलस्टिक की आपकी क्लास ली थी और वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डोजी नाम का एक कैंडल होता है, तो जहाँ पे भी डोजी देखे मतलब इनडिसीजन है, लेकिन यहाँ पे अगर आप चार्ट में ध्यान से देखेंगे ना, तो डोजी बहुत सारी जगह है। डोजी यहाँ पे भी है, डोजी यहाँ पे भी है, और डोजी यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, काफ़ी जगह डोजी मिल जाएगा। लेकिन ये जो सारी जगह आपको डोजी मिल रहा है, क्या सारे डोजी इंपॉर्टेंट है? मेरे ख्याल से तो नहीं है, क्योंकि डोजी कहीं पे भी अकर हो जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ट्रेंड को देखना है। मैंने आपको वो कैंडलस्टिक वाले वीडियो में भी बताया था कि हमें ट्रेंड को देखना है, और एक बार जब हम लोग ट्रेंड को देखेंगे ना, उसके बाद ही हमें कोई डिसीजन लेना है। तो ये जो मैंने रेड वाला जो बड़ा सर्कल बना के रखा है, ये वाला जो डोजी कैंडल है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बना है एक सपोर्ट लाइन के ऊपर। आप देख सकते हो ये एक यहाँ पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है, मैं इसको क्रॉस करके मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये बहुत बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसी लेवल पे लिया है इसने, राइट?
जो हमारा इथेरियम है उसने बहुत बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है, इसलिए ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जब डोजी बनेगा या कोई रिवर्सल कैंडल बनेगा तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब डोजी कैंडल बहुत सारे बन रहे हैं, लेकिन हमें वही देखना है जो कि ट्रेंड के साथ हो, राइट। तो हमें कैंडल स्टिक को हमेशा एक कन्फर्मेशन टूल की तरह यूज़ करना है, जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बनाया था कि आपको इसको एक कन्फर्मेशन टूल की तरह ही यूज़ करना है। अब मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन को आप ड्रॉ करो या ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करो, और वहाँ पे फिर आप ढूंढो कोई कैंडलस्टिक पैटर्न को, कोई रिवर्सल पैटर्न को। अब मान लीजिए आपने ये लाइन ड्रॉ करी और आपको यहाँ पे ये कैंडल बनता हुआ दिख गया। हम लोग थोड़ा सा और जूम इन कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए, और मैं एक रिप्ले भी अब चला के दिखाता हूँ आप लोगों को। सो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, अब आपको ये डोजी कैंडल दिख गया, आपको ये चीज़ भी दिख गई कि जो मार्केट है वो इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से ऊपर जा सकता है। अब पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि ये डोजी कैंडल जैसे ही बना आप बोलोगे यार मैं तुरंत एंट्री ले लेता हूँ। अगर आप तुरंत एंट्री लोगे, मान लीजिए आपने इस लेवल पे अगर एंट्री ली, तो आपका स्टॉप लॉस हो गया समवेयर ओवर देयर, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा। तो जो स्टॉप लॉस का डिस्टेंस है ना वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो एक तरीका ये है जहाँ पे आप अर्ली एंट्री ले सकते हो और छोटा स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे लॉस ये हो सकता है आपको कि जो सिग्नल की एक्यूरेसी है ना वो भी कंफर्म नहीं हुई है, जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो भी कंफर्म नहीं हुई है। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया और मार्केट अगर नीचे चला गया तो आपको लॉस हो जाएगा, और लॉस होने की प्रोबेबिलिटी इस केस में थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि हमें कंफर्मेशन नहीं मिला है, डोजी कैंडल तो इनडिसीजन बता रहा है, ये कोई कंफर्मेशन थोड़ी ना है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, ऐसा कोई कंफर्मेशन हमें मिला नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि आप अर्ली एंट्री ले लो, अर्ली एंट्री में लेकिन रिस्क ज़्यादा है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि वेट कर लो। अब अगर आप वेट करोगे तो कितना वेट करना है, एक कैंडल, दो कैंडल? अगर आप ज़्यादा वेट करोगे तो हो सकता है मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए, फिर जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि आप ज़्यादा रिस्क लोगे अगर आप बहुत ज़्यादा ऊपर बाई करोगे तो। तो ये एक ट्रेड ऑफ रहता है। अगर आप छोटा स्टॉप लॉस ले रहे हो तो जो आपका रिस्क है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जो कन्फर्मेशन हमें मिलना चाहिए कैंडल स्टिक से वो नहीं मिल पाता है यूजली। लेकिन अगर आप ज़्यादा रुकोगे, ज़्यादा सिग्नल के लिए रुकोगे, कन्फर्मेशन के लिए रुकोगे, तो हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस आपको बड़ा लेना पड़े, तो रिस्क टू रिवॉर्ड वहाँ पर बिगड़ जाएगा। तो ये एक ट्रेड ऑफ है, ये ऐसी चीज़ है जो कि आपको खुद ही मैनेज करनी है और खुद ही सीखना है कि कैसे इससे डील किया जाए, राइट। तो अब ये नेक्स्ट कैंडल बना, अब अगर कोई आदमी वेट करना चाहेगा तो वो रुकेगा कि यार थोड़ा सा मार्केट को ऊपर जाने दो फिर मैं देखता हूँ। अब यहाँ पे मार्केट यहाँ तक आ गया, थोड़ा सा इसने कन्फर्मेशन हमें दे दिया, ये दो तीन ग्रीन कैंडल बन गए, तो अब हम समझ गए कि यार यहाँ पे जो है ना एक एंट्री मिल सकती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बाय करूँगा तो जो मेरा SL है ना वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये एक ऐसा ट्रेड ऑफ है जो कि आपको अपने जजमेंट के हिसाब से लेना पड़ेगा। बस मैं यही समझाना चाह रहा था, यही एक ऐसी चीज़ है जो कि इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा तो रिस्क छोटा होगा, अगर रिस्क आप छोटा रखोगे तो रिवॉर्ड बड़ा रख पाओगे, और ज़्यादा आप अगर बड़ा स्टॉप लॉस रखोगे तो ज़्यादा बड़ा रिवॉर्ड मिलने के जो चांसेस हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों रिवर्सल सिग्नल और रिस्क रिवॉर्ड की तो हमने बात कर ली, अब बेसिक कैंडल स्टिक स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं। इसके बारे में मैं एक्चुअली मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि क्या करना चाहिए हमें। तो सबसे पहले तो हमें एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को आइडेंटिफाई करना चाहिए, जैसा मैंने आप लोगों को ये वाले एग्जाम्पल में बताया, हम लोगों ने बेसिकली एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन ही आइडेंटिफाई किया, और उसके बाद उसके आधार पे हम लोगों ने अपना बाय और सेल वाला डिसीजन लिया। अब दोस्तों जो कैंडल स्टिक है उसको एक कन्फर्मेशन टूल की तरह यूज़ करना है, जैसा मैंने आपको बताया। अगर आप अर्ली रिकग्नाइज करोगे रिवर्सल को तो स्टॉप लॉस छोटा होगा, छोटा स्टॉप लॉस मतलब छोटा रिस्क मतलब ज़्यादा रिवॉर्ड मिलने की अपॉर्चुनिटी, और अगर आप रिस्क बड़ा रखोगे, स्टॉप लॉस बड़ा रखोगे, तो रिवॉर्ड मिलने की जो अपॉर्चुनिटी है, ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड आप रख नहीं पाओगे उस केस में। तो एक थंब रूल होता है दोस्तों रिस्क टू रिवॉर्ड का, हमेशा आपको 3:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रखना चाहिए एट अ मिनिमम। मिनिमम आप 2:1 का भी रख सकते हो, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, लेकिन अगर आप 1 रुपए की रिस्क ले रहे हो तो मेरे ख्याल से आपको 3 रुपए का रिवॉर्ड रखना चाहिए। और ये चीज़ ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल एनालिसिस में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर ट्रेड में आपको प्रॉफिट नहीं होता, कभी कभी लॉस भी होता है। तो ऑन एन एवरेज आपको अगर जीतना है इस गेम में तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना ज़रूरी है। अब हम लोग बात करते हैं चेंज ऑफ पोलैरिटी प्रिंसिपल के बारे में। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस कंसेप्ट के बारे में पता होगा, लेकिन ये जो नाम है ना ये आपने सुना नहीं होगा पहले, तो इसको समझते हैं। वंस अ रेजिस्टेंस
लेवल इज ब्रीस्ड, इट चेंजेस इट्स नेचर एंड बिकम सपोर्ट। बहुत सिंपल मतलब है, अगर कोई एक रेजिस्टेंस लेवल है और वो टूट गया है तो वो फिर एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये मैंने क्या बोल दिया इसको समझते हैं। मान लीजिए ये चार्ट है हमारा, एक रियल चार्ट है, और मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है हमारा स्टॉक, लेकिन एक बार ये रेजिस्टेंस लेवल अगर टूट गया तो ये जो लेवल है ना ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। यही चीज़ बताना चाह रहा है ये हमारा चेंज ऑफ पोलैरिटी प्रिंसिपल। अब इसको हम लोग रियल एग्जाम्पल में भी देख लेते हैं। अभी हमने इथेरियम का एग्जाम्पल दिया था, राइट? तो इथेरियम में अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले तो इसको हटा देते हैं इस रिप्ले मोड को, ताकि क्लियर पिक्चर दिख जाए आप लोगों को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, राइट? ये वाला पॉइंट रेजिस्टेंस पॉइंट था, लेकिन एक बार ये रेजिस्टेंस हमारा ब्रेक हुआ तो आगे चल के यही जो चीज़ है ना ये हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करी। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट ने जस्ट यहीं पे सपोर्ट लिया, राइट? और एक बार नहीं, दो बार लिया, एक बार नहीं, दो बार लिया। जब इसने फर्स्ट बार यहाँ पे सपोर्ट लिया तो हम लोग ये समझ गए कि यार अब ये जो लेवल है ना ये एक जोन बन चुका है। लेवल हम तब बोलते हैं जब सिर्फ एक ही पॉइंट मिलता है हमें रेजिस्टेंस या सपोर्ट का, और जोन हम तब बोलते हैं जब दो या दो से ज़्यादा पॉइंट हमें एक ही लेवल पे मिल जाए। तो हम लोग ये समझ गए यहाँ पे जब फर्स्ट सपोर्ट बना कि अब ये एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन बन चुका है, राइट? अब यहाँ पे जो जो हमारा इथेरियम क्रिप्टो है वो तीसरी बार आया, एक और बार इसने टेस्ट किया इस लेवल को, और यहाँ पे इसमें बहुत अच्छी बाइंग थी। ये जो वाला जो लेवल है ना ये बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी इथेरियम में। तो दैट्स हाउ चेंज ऑफ पोलैरिटी प्रिंसिपल वर्क्स। जो पहले रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाएगा, और जो पहले सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन जाएगा अगर वो एक बार ब्रेक हो जाता है तो। तो ये था चेंज ऑफ पोलैरिटी प्रिंसिपल। आई होप ये समझ में आया होगा। ये बहुत ही इजी चैप्टर था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, लेकिन फिर भी कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट करें नीचे, मैं उसका आंसर कर दूंगा आपको। और अगर आप कुछ पर्सनली पूछना चाहते हो तो प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, मेल कर लो आप अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो तो। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल स्टॉक ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।